हरिओम, सभी को प्यार भरा नमस्कार है। इस कक्षा में स्वागत है आप सबका, जिसका नाम है विबुधवाणी विलासा, तुरीय श्रेणी की कक्षा। सरल वांग्मयात पाठमाला के अंतर्भाग हमने सुभाषितों का अध्ययन लिया है। प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तम देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुरु वै शरणमहं प्रपद्ये वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हमने पिछले सप्ताह दो सुभाषित पढ़े थे और आज वहां से आगे बढ़ते हैं। अन्य दो सुभाषित आज पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले मैं पढ़ती हूँ सुभाषित को, फिर रिपीट करने के लिए बुलाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव विचार्यतां आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। एक और बार। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव विचार्यतां आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। इसका तात्पर्य देखते हैं ताकि सस्पेंस खत्म हो जाए, फिर हम आराम से पद विभाग एवं अन्वय पर दृष्टि डाल सकते हैं। बोल रहे हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के पूरे तात्पर्य को सुनो, सभी उसके संबंधित पूरे सारांश को सुनो। जो धर्म है, जो धर्म का सभी कंटेंट्स है, वो सब सुनो। श्रुत्वा चैव विचार्यताम, सुनकर उस पर विचार करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने लिए प्रतिकूल हो या फिर अपने विरुद्ध हो, हमको अच्छा नहीं लगता हो, ऐसे चीजों को परेशान न समाचरेत, तो दूसरों के लिए उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं समाचरेत यानी नहीं करना चाहिए, ऐसा है इसका। और दूसरों के विषय में, हाँ, जो स्वयं के लिए प्रतिकूल हो या अनुकूल ना हो, उचित ना हो, सो इन इनके इस प्रकार के विचार करो, विचार किया जाना चाहिए, करो नहीं। श्रूयताम यानी सुना जाए, ठीक है, सभी तात्पर्यों को सुना जाए, उस पर विचार किया जाए, ठीक है, जो स्वयं के लिए प्रतिकूल हो, उसे दूसरों के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। तात्पर्यों को, धर्म में सभी पहलुओं को, यानी धर्म का सारा विषय, ठीक है, धर्म के सभी विषयों को ऐसा करेंगे, ठीक है, विषयों को सुना जाए, राइट, और सुनकर उस पर विचार किया जाए। श्रुत्वा का तो रखा है सुनकर, ठीक है, ठीक है, धर्म के सभी विषयों को सुना जाए, सुनकर उस पर विचार किया जाए। जो स्वयं के लिए प्रतिकूल हो, उसे दूसरों के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, दूसरों के विषय में से आचरण नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी इसका पद विभाग देखते, बहुत सिंपल है इसमें, एक भी चाइवा, बस एक वो है परेशान ना, दो जगह संधि है बस, बाकी सब सिंपल है, तो पद विभाग की तो आवश्यकता भी नहीं है। अभी अन्वय देखते हैं। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, धर्म सर्वस्व को सुनो। श्रुत्वा चैव विचार्यता, सुनकर उस पर विचार करो। आत्मन प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, जो अपने लिए प्रतिकूल हो, वो दूसरों के विषय में आचरण नहीं करना चाहिए, ऐसा इसका अन्वय हो गया। अभी प्रतिपदार्थ देखते हैं। धर्म सर्वस्वम, धर्म यानी कि यहाँ पर कर्तव्य अर्थ से लेंगे, ठीक है, धर्म का बड़ा विस्तृत अर्थ है संस्कृत क्षेत्र में। संस्कृत भाषा के एक एक शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में एक लाइब्रेरी भर के पुस्तकें भी लिखे तो उसका विषय खत्म नहीं होता है, ठीक है, इतना विषय है संस्कृत के, एक एक वर्ड के, स्पेशली धर्म के विषय। और हिंदी भाषियों के लिए खासकर यह समझाना बहुत ही आवश्यक है,
कि धर्म शब्द रिलीजन अर्थक नहीं है, वो भी धर्म का एक अर्थ छाया है, पर वो केवल रिलीजन इस अर्थ में यूज होता है हिंदी भाषा में। और अगर ऐसा हुआ तो जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं, जिनको सनातन धर्म के पुस्तकों से परिचय है, वो लोग पहचानते, इससे पुराण आदि पढ़ने की आदि है, तो धर्म शब्द कुछ और ही है जो हम प्रयोग करते हैं, वो केवल वो नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि वो नहीं है, केवल वही है ऐसा नहीं सोचते पढ़े लिखे, मतलब संस्कृत से अभिज्ञ लोग। जो संस्कृत से अनभिज्ञ है उनके लिए धर्म का, धर्म याने धर्म, धर्म बोलते हैं, धर्म याने हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ऐसा उनके लिए ये रिलीजन है, ईसाई धर्म, तो वो धर्म अलग है, ये धर्म अलग है, ठीक है। तो धर्म शब्द के आपटे में 14 से भी ज्यादा अर्थ दिए हैं और उस पर काफी कुछ कहा जा सकता है कि और भी अर्थ इसमें जुड़ सकते हैं, पर यहाँ पर जो हम ले रहे हैं प्रस्तुत संदर्भ में इसका अर्थ है कर्तव्य, ठीक है। तो जो कर्तव्य, इतना सब पढ़ के हमें एक आचरण योग्य विषय बताया जा रहा है इस सुभाषित में, जैसे ये करो ये नहीं करो ऐसा बोलने वाला एक विधि निषेध वाला एक सुभाषित है, ये निषेध वाला सुभाषित है, मतलब दे आर आस्किंग अस टू स्टॉप टू डू सर्टेन थिंग, तो कुछ तो करने को बोल रहे हैं, मतलब करना छोड़ना भी एक करना ही है ना, तो वैसा। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये वो एक गाइडेंस के रूप में वो दे रहे हैं। तो इस संदर्भ में धर्म शब्द का अर्थ हुआ कर्तव्य, ठीक है। तो कर्तव्य सभी आचरण योग्य धर्म और कर्तव्य। श्रूयताम सुनाया जा, सुना जाए, ठीक है। श्रूयताम याने तुम्हारे द्वारा नहीं, उसके द्वारा सुना जाए, व्यक्ति के द्वारा सुना जाए, ठीक है। सुनकर, सुनकर क्या किया जाए, विचार किया जाए, ठीक है, विचार किया जाए, ठीक है। विचार्यताम, तो ये पैसिव है, कर्मणि प्रयोग है, श्रूयताम विचार्यताम, तो इस विषय पर चिंतन किया जाए, ठीक है। और आत्मनः याने अपने विषय में, जो स्वयं के लिए या फिर स्वयं के विषय में, स्वयं के विषय में ऐसा। प्रतिकूलानि कष्टप्रदानि, प्रतिकूल हो विरुद्ध हो, ठीक है, वो विरुद्ध, जो विरुद्ध हो वो, मतलब उस कर्मों के लिए प्रतिकूलानि का ये क्यों नपुंसक में है, इसके संबंधित दूसरा कौन सा शब्द है सुभाषित में, तो कोई नहीं है, तो यहाँ पर कार्याणि करके एक शब्द को हम अध्याहार करेंगे, ठीक है। आत्मनः प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत, ठीक है। यहाँ कुछ शब्दों का अर्थ आपको पहले से मालूम है, फिर उन सबको संस्कृत में रखने का क्या प्रयोजन है, परेशान जब समझ में आ रहा है तो इतने भी क्यों लिखा आपने, तो उसका समाधान ये है कि मैंने पहले ही बताया था, पॉसिबल जो पर्यायवाची शब्द है उनको मैं रखना चाह रही थी, ताकि लोगों को थोड़ी आदत हो जाए, सिंपल वर्ड्स को बताने में ही एक चैलेंज होता है, तो उनको बताने के लिए हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अवश्य हो जाता है, पर उससे हमको एक पर्यायवाची शब्दों का यूज करने का एक ज्ञान हो जाता है, ठीक है। अब इसके व्याकरण विशेष देखते हैं। धर्म सर्वस्वम, धर्म और सर्वस्व, सर्वस्व शब्द का भी करना है इधर, तो जो सर्व सर्व है वो, ठीक है। धर्म का धृ धातु का मन प्रत्यय है, ध्रियते लोके, लोको अनेन धरति इति इति वा, ठीक है। ध्रियते लोकः अनेन, धरति लोकः वा, धरति लोकं वा, तो लोक को धारण करता है या फिर लोक इसके द्वारा, लोक इसको धारण करता है, इससे वो धर्म हुआ, ठीक है। श्रूयताम, श्रु धातु का यक, यक याने उसका कर्मणि प्रयोग का है ये, श्रु धातु का कर्मणि प्रयोग के लिए यक प्रत्यय का प्रयोग होता है, प्रथम एक। ये लिखने का स्टैंडर्ड का एक ये रहस्य बताती हूँ, जहां पर प्रथमा बिना दीर्घ का लिखा है वहां वो क्रियापद का प्रथम पुरुषा है, जहां पर दीर्घ के साथ है इस प्रकार तो वो शब्द रूप का है, प्रथमा विभक्ति है, ठीक है।
ये एक आप याद रखिएगा इसके पैटर्न में। आई कैन राइट प्रथम अपू, अगर प्रथम अपू लिखूंगी तो बहुत ही क्लियर रहेगा, पर आई जस्ट वॉन्टेड पीपल टू थिंक अ लिटिल, थोड़ा सोचें। बहुत सारा स्पून फीडिंग भी दे देते, वो भी सही नहीं है। एटलीस्ट इतना तो उनको खुद से वर्क करना चाहिए, इसलिए मैं ये डिटेल्स नहीं दे रही हूँ। प्रथम अपू है वो प्रथमा लिखा, तो प्रथमा है तो प्रथमा विभक्ति, जैसे ये वाला शब्द हुआ, इसमें भी हमको प्रथमा दिखा, इसका अर्थ है वो क्रियापद है, ठीक है। प्रथम पुरुषा, जो पुरुषा होता है वो क्रियापद में होता है, ठीक है। फिर श्रुत्वा, अच्छा एवं श्रुत्वा, श्रुक्त्वा, बचपन में मैं जब संस्कृत पढ़ती थी तो इसको कत्वा कत्वा पढ़ती थी, मुझे पता नहीं था एक त्वा है, ठीक है, तो पढ़ना नहीं आता था, कत्वा कत्वा बहुत साल तक मैं कत्वा कत्वा बोलती रहती थी, फिर वो पता चला नहीं नहीं ये तो जुड़ा हुआ है, त्वा है वो, ठीक है। तो श्रु प्लस त्वा, तो क तो वैसे भी निकल जाता है, त्वा बचता है, तो श्रुत्वा सुनकर, ठीक है। फिर विचार यताम, विचार किया जाए, ठीक है, तो ये निच है, इसके अंदर वी उपसर्ग है, चर धातु है और इसमें निच निच प्रत्यय है और यक कर्मणि प्रत्यय है और ये प्रथम पुरुष एक वचन है। इसके बाद आत्मनः, आत्मन शब्द का षष्ठी है, आत्मा, ठीक है, आत्मन आत्मनः। प्रतिकूलानि, प्रतिकूलानि यानी ये त्रिलिंगों में समान, त्रिलिंगों में प्रयोग होता है इसका, प्रतिकूलः, प्रतिकूलम, प्रतिकूला, इस प्रकार वो जिस विशेष्य के लिए खड़ा है उस विशेष्य का लिंग ये ले लेता है विशेषण। अभी यहाँ पर कोई भी शब्द नहीं है तो हमने क्या सोचा था, ये नपुंसक लिंग में होने के कारण इस यहाँ पर कार्याणि अध्याहार कर लेंगे, तो प्रतिरूपम कूलम पक्षः अस्य, ये पता नहीं क्या है, इस पर चर्चा हम अधिक नहीं कर सकते, इसको निकाल देती हूँ, बस ये इंपॉर्टेंट है। प्रति उपसर्ग, कूला शब्द है, नपुंसक लिंग प्रथमा बहु, ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, नपुंसक लिंग में है। न समाचरेत, सम आचर, ठीक है, सम उपसर्ग, आप ही उपसर्ग, चर धातु, विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। इस प्रकार इसका व्याकरण विशेष हो गया, ठीक है। अभी हम आते हैं प्रश्नों पर, ठीक है, एक एक प्रश्न पूछूंगी, एक एक व्यक्ति इसका समाधान देंगे। सबसे पहले मैं ज्योति भगिनी को बुलाती हूँ। किम श्रूयताम, दो प्रश्नों के आप बताएंगी, किम श्रूयताम, धर्म धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा, हाँ, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, श्रूयताम, हाँ। आगे का प्रश्न, श्रुत्वा किं क्रियताम, श्रुत्वा विचार्यताम, वेरी गुड, करेक्ट, श्रुत्वा विचार्यताम, धन्यवाद आपका, ठीक है। ज्योति भगिनी आप ही बता दीजिए, परेशान किं न समाचरेत, भगिनी सुभाषितम, हाँ दर्शयामि दर्शयामि, परेशान प्रतिकूलानि न समाच समाचरित, आत्मनः प्रतिकूलानि न समाचरित, हाँ, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरित। प्रायः ऐसे प्रश्नों का पूरा समाधान सुभाषित के लाइंस में ही होता है, ठीक है जी। विचार्यताम इत्यत्र पद विश्लेषणं वदत, वी अधिक चर, चर धातु है, हाँ, वी क्या है, वी उपसर्ग है, चर धातु, णिच प्रत्यय, यक भी प्रत्यय, प्रथमा प्रथम एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, विचर्यताम, यक, यक क्या है, यक भी प्रत्यय है, आप बोले थे कर्मणि प्रयोग के, बिल्कुल बिल्कुल, परेशान इत्यत्र संधि विभज्यता, बस नाम की आवश्यकता नहीं, संधि बता दीजिए, संधि परेशान, भगिनी नहीं पता इसकी, पद विभाग में देख के बता सकती है, परेशान, हाँ परेशान न, परेशान प्लस न, धन्यवाद कामिनी भगिनी।
ठीक है, यहाँ प्रश्न खत्म हो जाते हैं। श्रूयताम का एक बस रिक्त स्थान है, श्रूयताम धर्म सर्वस्व, धर्म सर्वस्व। तो ये बहुत ही मुख्य है कि आप सुभाषितों को याद करें। मैं पूछ इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि सभी लोग सभी क्लासेस में नहीं आ रहे हैं, कुछ नए नए आ जाते हैं, इसलिए मैं फिर पूछ नहीं रही हूँ। बस जो भी जिस कक्षा में भी आते हैं सामग्री आपको मिलती रहेगी, कृपया इन सुभाषितों को याद अवश्य कर लें, कोटेशंस में काम आएंगे। ठीक है, तो हाँ इसको कामिनी भगिनी एक बार आप अनुच्चारण करेंगे, मैं बोलूंगी आप अनुच्चारण करेंगे। ठीक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। भगिनी मुझे श्रू सुनाई दे रहा है, आप श्रू बोल रहे हैं कि श्रू? श्रू बोलिए, श्रू श्रू। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रुत्वा चैव विचार्यताम, श्रुत्वा चैव विचार्यताम, श्रुत्वा चैव विचार्यताम। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः प्रतिकूलानि, परेशान्न समाचरेत्, परेशान्न समाचरेत्, परेशान्न समाचरेत्। बहुत धन्यवाद आपका। तो इस पर कुछ विचार है तो आप प्रकट कर सकते हैं, केवल भावार्थ नहीं, इसके कुछ प्रैक्टिकलिटी पर आप कुछ कहना चाहते तो कह सकते। ये बड़ा ही गूढ़ विषय सा लग रहा है भगिनी, इतना आसान तो नहीं लग रहा है इस पर बोलना। हाँ ये बहुत ही मूल विषय है, सही है, बहुत बेसिक थिंग है। जब सारे धर्मों का सार के रूप में किसी बात को रखा जा रहा है तो वो सोचने वाली बात तो अवश्य हो। ठीक है, धर्म सर्वस्व की बात करिए, भी कह रहे कि पुराणों का धर्म क्या कहता है, वेदों का धर्म क्या कहता है, उपनिषदों का धर्म क्या कहता है, ऐसा नहीं बोल रहे। धर्म सर्वस्व, इतिहास, पुराण, वेद, साहित्य, कुछ भी आप ले लीजिए। ठीक है, पूरा आप सुनिए, सुनकर विचार कीजिए, तो आपको अंतिम वाक्य यही मिलेगा कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषान्न समाचरेत्। एक ऐसा ही एक और है कि परोपकार पुण्याय पापाय परोपकार, एक और भी ऐसा ही है। तो दोनों जगह पर वो उपकार करने की बात करते हैं और आप परपीड़न करेंगे तो आपको पाप लगेगा, बस इतना कहते हैं। और यहाँ पर कुछ विधि निषेधात्मक कुछ लटका जा रहा है, निषेध का कुछ बताया जा रहा है, इसीलिए क्लियरली साफ साफ बोले, जो आपको अच्छा नहीं लगता आपके साथ कोई करे तो आपको अच्छा नहीं लगता, दूसरों के प्रति मत कीजिए। ठीक है, तो एक मेरी सहेली की याद आती है मुझे, जो ऐसा डिग्री पढ़ती थी, फर्स्ट ईयर में थे हम लोग, और तेलुगु में भी इसका बहुत सुंदर एक पद्य के रूप में इसका अनुवाद भी है, उसकी बस चर्चा चल रही थी। बस उस लड़की ने कहा कि कहना तो बहुत आसान है बहन, पर कैसे पता चलेगा सामने वाले को क्या पसंद नहीं है। तो मैंने कहा बहुत व्यक्त है, स्पष्ट बात है, तुम्हारे साथ कोई करे तुम्हें अच्छा नहीं लगा तुम्हें याद रहेगा, तो तुम उसको दूसरे के साथ मत करो। तो बोली हो सकता है कि ऐसी कोई क्रिया हो जो मुझे बहुत अच्छा लगता, कोई मेरे साथ मजाक करे मुझे बहुत अच्छा लगता हो कि उसने कम से कम मेरे ऊपर ध्यान दिया, या फिर उसने मुझे अपना फ्रेंड माना या अपना अपना समझा, इसलिए उसने मेरे साथ मजाक करने का साहस किया, मुझे अच्छा लगता होगा। अगर मैं यही मजाक किसी और के साथ करूंगी, चाहे वो मेरी कितनी भी अच्छी फ्रेंड हो, उसे बुरा लगेगा तो मैं क्या करूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा। तो उसका प्रश्न बहुत ही अधिक वो उसका इन प्लेस था, सही कह रही थी वो, कैसे पता चलेगा हमको सामने वाला हमारी बात को कैसे लेगा। और हर बात को और हर चीज को तोल तोल कर बोलना, हर व्यवहार को बहुत ही ध्यान से करना, ये सब अगर हमारे बस की बातें आजकल तो बिल्कुल नहीं रही है। जो भी बोलते हम लोग बोल देते, सोच लेते, सामने वाला जैसा भी ले रहे, हमें क्या करना, और सामने वाला भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता है, मेरे को क्या करना है, मैंने तो बोल दिया, मुझे तो ऐसा लगा मैंने बोल दिया, अब उसको जो करना है, मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आजकल का चिंतन ऐसा है। और लोग भी ऐसे ही हैं, ऐसा सोचना पड़ता है इंसान को, हर बात के लिए मैं कुछ बोलूंगी आपको बुरा लगेगा, मैं वही सोचती रहूंगी तो मैं अगला काम नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो इस प्रकार का चिंतन एक ऐसा हो गया है, सब एकदम मतलब
कोई दिशा नहीं, एकदम दिशाहीन हो गए हैं पूरा समाज में। बच्चे ले लो, बड़े ले लो, सबका ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि गया है ये पूरा, मति ही भ्रष्ट हो गई है ऐसा लगता है। ना बड़ों का लिहाज है, ना छोटों के प्रति वात्सल्य है, ना किसी को बुरा लगेगा इसका डर है। लगे तो लगे, उनकी प्रॉब्लम है, ऐसा कहना दाई तो नहीं होता है। बिल्कुल वो जो जो इरेस्पॉन्सिबल पीपल होते हैं वो ही ऐसा कहते हैं, और आजकल का यूथ इरेस्पॉन्सिबल रहने को बहुत अच्छा लगता है। पेरेंट्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, बस हमारा पैसा दे रहे हैं, हमारा जीवन जीत रहा है, कल को हमको जॉब मिल जाएगी, आपके साथ कोई मुझे ये नहीं है, आई लिव माई लाइफ लाइक यू हैव लिव्ड योर लाइफ। इस प्रकार का एक जो चिंतन है उसके कारण मनुष्य के अंदर संवेदनशीलता का एकदम ह्रास होता दिखाई दे रहा है। इंसान को ठीक है, हम संवेदनशील रहेंगे करके हम रहना चालू करते हैं तो लोग इतना परेशान करेंगे कि आप पूरा संवेदनशीलता को जाके आपके नियर बाय कुएं में जाके डालकर आ जाएंगे कि भाई अब से हमें संवेदनशील नहीं रहना है, क्योंकि ये संवेदनशीलता से ही डायरेक्टली रिलेटेड है। हमें सोचना पड़ता है, हमें ध्यान देना पड़ता है, कोई हमसे झूठ बोले हमें अच्छा नहीं लगता, कोई हमको मारे हमारा अपमान करे हमें अच्छा नहीं लगता, कोई हमें कठिन पद सुनाए हमें अच्छा नहीं लगता, पर हम दूसरों को कठिन शब्द सुनाएंगे, पर हम दूसरों का अपमान करेंगे, पर हम दूसरों को उनको झूठ बोलेंगे, उनको उनको छल करेंगे, उनको कपट करेंगे, ठीक है, और मित्रता के नाम पर अत्यधिक करते हैं लोग, तो वैसा एक व्यवहार सा हो गया है, मुझे तो वो नहीं चाहिए पर दूसरों के प्रति मैं करूंगा क्योंकि मैं ऐसा हूँ, मुझे कंट्रोल रखने की, मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत सही हूँ। हर इंसान के अंदर ये एक भावना धारणा एक बहुत प्रतिष्ठित होती दिखाई दे रही है। कहे तो हर इंसान विशेष होता है, इसमें कोई बुरा नहीं है, पर सामने वाला भी तो यही सोचता कि मैं विशेष हूँ, अपने घर का मैं बड़ा हूँ। जैसे दो बच्चे हैं, हम उनके माता पिता उसको इतना ही प्यार करते हैं, इसके माता पिता इसको भी इतना ही प्यार करते हैं, तो कौन सही कौन गलत इसका निर्णय कैसे करे? तो इस आधार पर तो नहीं होना चाहिए कि कौन किसका कितना प्यारा है, ठीक है, उस आधार पर नहीं होता। तो एक धर्म का विषय होता है कि कौन धर्म के पल्ले पर, धर्म के पहलू पर, धर्म के निकषा पर कौन खरी उतरता है, ठीक है, तो वो सही होता है, ठीक है, तो उसके आधार पर। इसलिए हमारा चिंतन पूरा क्या धर्म है क्या अधर्म है इसको जानने के इससे होना चाहिए, और उसका एक आईना सा बता रहे हैं कि जैसे आईने में हम खुद को देख सकते हैं वैसे किसी ने हमारे साथ किया तो ये, तो उस लड़की का मैंने प्रश्न को बहुत गंभीरता से लिख लेकर मैंने उस पर विचार किया तो मुझे दो सॉल्यूशन दिखाई दिए कि पहला वाला है, ठीक है, एक बार तुमने उसके साथ किया उसे अच्छा नहीं लगा, दोबारा मत करो, दिस इज वन थिंग, एक बार को तो तुमको मतलब चांस लेना ही पड़ेगा, पहले पता नहीं था ना आपको, ठीक है, कर डाला, उसको बुरा लग गया, वो रोई या फिर वो कुछ भी हुआ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम डोंट डू दैट। सेकंड सॉल्यूशन ये है कि पहले के लोग ना ज्यादा बोलते नहीं थे, बहुत गंभीर प्रवृत्ति के रहते थे, हमारे पिताजी, उनके पिताजी को आप एक बार याद करके देखिए उनका व्यक्तित्व कैसा रहता था, गंभीर रहते थे, ज्यादा नहीं बोलते, और किसी से ज्यादा घुलना मिलना हमारा कल्चर नहीं था, जितनी जरूरत हो उतनी बात कर ली, बस घर पे आ गए, अपना काम देख लिया, अपना कर्तव्य निर्वाह कर लिया, ये नहीं कि गप्पे लग, क्योंकि टाइम ही नहीं रहता था ना, ये मशीन वशीन नहीं रहते थे, लेडीज को घर का काम करना रहता था, बहुत सारे वो मसाले सब पीस पीस के रखना पड़ता था, एवरीथिंग दे यूज्ड टू डू ऑन लाइक मैन मेड मशीन्स, नॉट मशीन्स, ये वाले ने वो पूरा ऐसा ऐसा करके उसको ग्राइंड करने का जो भी काम रहता था, जो भी पिस्ट बनाना था तो सब घर में बनाते थे, तो दे यूज्ड टू नॉट गेट लॉट ऑफ टाइम फॉर ऑल दिस थिंग। अभी क्या है, लीजर बढ़ गई है, तो यहाँ वहां की बातें, बस फालतू चीजें सब, मतलब बहुत बढ़ गया है इतना सारा, वो सब पहले नहीं होता था। उसके कारण क्या है, बहुत सारे घपले जिसको बोलते हैं, बहुत सारे स्कैंडल्स जिसको बोलते हैं, वो कम होते थे, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं होता था किसी के पास भी। अगर मैं बहुत ही फ्री हूँ, मेरे पास नौकरानियां हैं, मैं जाके किसी से बात भी करना चाहता हूँ, अपने काम में लगी रहेगी, हाँ बहन ठीक है बिल्कुल घर में काम है, थोड़ी देर बाद मैं बात करती हूँ, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो फालतू चीजें बिल्कुल कोई नहीं करता था, उससे काफी मन स्वस्थ रहता था उससे, तो और किसी को ज्यादा जल्दी से, ना जल्दी से मित्रता होती थी, ना जल्दी से शत्रुता होती थी किसी से, वो लोग एक दूसरे पे विश्वास करने में बहुत समय लेते थे, और विश्वास करने के बाद तोड़ने के लिए उससे डबल समय लेते थे, ठीक है, ना किसी को अपना कहा, ना किसी से ज्यादा प्यार किया, ना किसी से ज्यादा न्यौछावर हो गए, इनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, एक भावना ऐसी आती थी, सबको आती थी, पर
सोचते थे ठीक है कुछ और थोड़ा परख लेते हैं, इंसान को जल्दी ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसके कारण भी ऐसा मजाक करना, प्रैंक्स प्ले करना, ये सबसे बचते थे लोग, तो एक डिसेंसी बनी रहती थी समाज में। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स के नाम पे कुछ भी करेंगे सब चलेगा, अरे भाई होली है चलता है, इस टाइप का होली ही नहीं हर साल भर में चलता ही रहता है ये सब। तो कैसे फ्रेंड्स के बीच में सबको देखो ये सब तुम है ना, इफ यू आर सो सेंसिटिव यू कैन बी आवर फ्रेंड, हम लोग तो ऐसे ही बिहेव करेंगे चाहे तुम्हें दुख हो चाहे कुछ भी हो। ये जो एटीट्यूड है दैट शुड नॉट बी देयर। जब पता चला कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इट्स नॉट रिपीटेड, कम से कम एक बार करने के बाद इंसान को याद हो जाए, तो ये उस लड़की के प्रश्न का समाधान। या तो अपना पूरा बिहेवियर गंभीर कर लो, ऐसा कर लो कि ना किसी से ज्यादा ये करो कि ऐसा तुम करो फिर बहुत बाद में एम्बेरसमेंट हो जाए, और फिर दूसरा ये है कि पहली बार करके पता चला फिर किसी से मत करना, हम तो ऐसा ही करेंगे हम तो ऐसा ही रहेंगे। ये जो एटीट्यूड दिखाने का रॉन्ग एटीट्यूड है ये पूरा, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हम जैसे बड़े हैं किसी से तो छोटों से हम रेस्पेक्ट का उम्मीद करते हैं, तो हमसे जो बड़े हैं वहां पर हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। सो दैट इज वॉट यू आर रेस्पेक्ट, अपने अपने बेटे के हम माँ पिता है, हमारे पिता माता के हम बेटे हैं, ठीक है। हमारे स्कूल में हम जब पढ़ते थे तब हम स्टूडेंट थे, आज हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम टीचर हैं। तो पूरा जहां पर आपका कर्तव्य है, आपको आपके रोल को जो कुछ शोभा देता है, एवरी टाइम बिकम दैट रोल। आप माँ है बच्चे का ध्यान रखिए, आप बेटी है माता पिता का ध्यान रखिए, आप टीचर है स्टूडेंट्स का ध्यान रखिए, आप स्टूडेंट है अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टीचर को कंप्लेंट का मौका मत दीजिए। तो इस प्रकार का जो हम बच्चों को अगर पढ़ाएंगे बताएंगे कि बस बच्चा मेरा बच्चा ना बहुत रोता है, 6 साल का है पर उसको सेलफोन का सब पता है, नहीं देते ना तो बहुत एकदम रोने लगता है, आपको नहीं पता कितना परेशान करता है, इसलिए उसके हाथ में हम सेलफोन दे देते। तो आप उसको ये क्यों नहीं बताते कि हम भी ऐसा ही है तुम्हारे साथ, बिल्कुल हट कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग विद यू, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा क्या, जो तुम्हारी प्रिय वस्तु है हम तुमको दे रहे हैं, ठीक है, तुम देने पे हमें मजबूर कर रहे हो, हम भी तुमसे मजबूर कर सकते हैं, हम भी तुमको किसी भी वस्तु में हम भी तुम्हें मजबूर कर सकते हैं। ऐसा है जो उसके अंदर मन के अंदर भावना है वो नहीं डाल रहे हैं पेरेंट्स, उसके कारण ये सब हो रहा है। तो ये छोटा सा सुभाषित है पर इसमें बहुत गहरा मीनिंग है, पूरा मानव जाति का आचरण को लेकर, पूरा समाचरित ये जो वर्ड है, पूरा आचरण को यावत जो पूरा परिप्रेक्ष्य में, पूरे ह्यूमन वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में ये सुभाषित खरा उतरता है, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसके लिए हर व्यक्ति को प्रयासरत रहना चाहिए, ठीक है। यहीं पर इस सुभाषित का विश्लेषण खत्म करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको कुछ कहना हो तो आप लोग अपने पॉइंट रख सकते। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव विचार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे परेषां न समाचरे। आप पढ़ना चाहेंगे कामिनी भगिनी? हाँ दीदी पढ़िए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव विचार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। धन्यवाद, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट सुभाषित पर चलते हैं, नेक्स्ट सुभाषित पर चलते हैं। विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः परलोके धनं धर्मः शीलं सर्वत्र वैधनम्। एक और बार पढ़ती हूँ। विदेशेषु धनम् विद्या व्यसनेषु धनम् मतिः परलोके धनम् धर्मः शीलम् सर्वत्र वैधनम्। अभी इसके अनुच्चारण के लिए मैं अमरनाथ भाई को बुलाती हूँ। अमरनाथ जी अनुच्चारण के लिए आइए। हरिओम भगिनी। हरिओम भगिनी। विदेशेषु धनं विद्या, विदेशेषु धनं विद्या, विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः,
व्यसनेषु धनं मतिः व्यसनेषु धनं मतिः परलोके धनं धर्मः परलोके धनं धर्मः परलोके धनं धर्मः शीलं सर्वत्र वैधनम् शीलं सर्वत्र वैधनम् शीलं सर्वत्र वैधनम् धन्यवाद। तो इसका हम तात्पर्य देखते हैं। इसका तात्पर्य है परदेश में जो विदेश होता है, विदेश में विद्या धन है, ठीक है, और व्यसन में बुद्धि धन है, परलोक में धर्म ही धन है, किंतु चरित्र सब जगह धन है, ठीक है। तो पहले हम लोग यदि तात्पर्य देख लेते हैं तो हमारा एक आधा काम आसान हो जाता है, पूरा उत्कंठा चली जाती है कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। पहले मीनिंग पता चले तो आधा काम खत्म। तो विदेशेषु धनं विद्या, विदेशों में विद्या ही धन है। व्यसन यानी कष्ट में, ठीक है, कष्ट समय में, ठीक है, कष्ट काल में बुद्धि, बुद्धि यानी मति, जो से युक्ति शक्ति बोलते हैं ना, युक्ति जिसको बोलते हैं वो, ठीक है, बुद्धि धन है। परलोक में धर्म ही धन है, ठीक है, परलोक में धर्म धन है, किंतु चरित्र सब जगह धन है। चरित्र शील, शीलता, सच्चीलता, ठीक है। अभी पद विभाग देखिए, बहुत सुलभ है क्योंकि कुछ संदेह ही नहीं है इसमें, एक भी संदेह नहीं, उसमें तो चैवा कम से कम संदेह था, इधर वो भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए पूरे शब्द है विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः परलोके धनं धर्मः शीलं। इसका अन्वय में एक्चुअली बहुत ही एकदम यही अन्वय में ही है ये पूरा, पर फिर भी हम यदि एक शब्द इधर उधर हेरा फेरी करते हैं तो थोड़ा सा अन्वय बन जाता है। विदेशेषु विद्या धनं भवति, व्यसनेषु मतिः धनं भवति, परलोके धर्मः धनं भवति, शीलं सर्वत्र वै धनं भवति, ऐसा एक भवति जोड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। विदेशेषु देशांतरेषु, जो विदेशों में, तो विदेश शब्द का सप्तमी बहुवचन। धनम संपत्ति ही उपयुक्तम वस्तु, यहाँ पर धन शब्द है, जैसे अलग अलग स्थानों में क्या क्या चीजें धर्म धन है ये बताने का यहाँ पर प्रयास किया गया है, ठीक है। और विद्या, विद्या तो विद्या ज्ञान होता है। व्यसन, व्यसन यानी कष्ट काल, जो संस्कृत शब्द, संस्कृत शब्दों में इसका अर्थ होता है कष्ट, जो डिफिकल्टीज विपत्तियां आपदाएं बोलते हैं ना, वो चीजें संकट, ठीक है, संकट समयों में, ठीक है। ये क्योंकि बहुवचन है इसलिए हिंदी में बहुवचन की बड़ी समस्या है। चलो दूसरे विभक्तियों के संदर्भ में तो इसको कर सकते हैं, इसलिए समयों में, संकट समयों में। धन यानी यहाँ पर बल, ठीक है, आवश्यक वस्तु, यहाँ पर ठीक है बल देखते हैं। और बुद्धि, ठीक है, बुद्धि यानी मति, मति बुद्धि, जो परलोके जन्मतः प्रयात है सती, हम से लोकांतर में जाते हैं परलोक में। धनम साधकम, धर्मः पुण्यम है, धर्म है। शीलम जो सद्गुण है, सत्प्रवृत्ति, सत्स्वभाव है, अच्छी प्रवृत्ति। शील यानी शील के, एक्चुअली शील इज जस्ट कैरेक्टर, इट्स नॉट गुड और बैड। सच्छीलता, दुशीलता क्या बोलेंगे, हाँ दुशीलता बोलेंगे, तो उससे बैड कैरेक्टर और राइट गुड कैरेक्टर आता है। पर शील जनरली जैसे गुण है, गुण शब्द है, सद्गुण दुर्गुण है, गुण यानी क्वालिटी होता है, पर गुणवान बोलते हैं तो उसका मतलब होता है सद्गुणवान। दुर्गुणवान भी तो हो सकता है, पर गुणवान जब बिना किसी इसका बोलेंगे तो नॉर्मली वो अच्छे गुणों को भी लिया जाता है। इसी प्रकार शीलम सच्छीलम नहीं भी बोल रहे हैं तो भी उसको अच्छी शील, अच्छी प्रकृति ही बोलते उसको समझते हैं, ठीक है। सर्वत्र सभी जगह, ठीक है, वही ही धनम प्रतिपत्ति ही संपत्ति, ठीक है, संपदा। तो इसका देखिए फिर से, विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनं धर्मः, शीलं सर्वत्र वै धनम्। तो इसका ये व्याकरण विशेष देखते हैं। विदेशेषु विदेवे कर्मणि घ दिश, वी उपसर्ग दिश धातु और
घञ् प्रत्यय ठीक है, विदेशः और उसका सप्तमी बहुवचन, विभिन्नः देशः विप्रकृष्टः देशः। फिर धनम, धन रवे पचाद्य धन प्लस अच धनम। फिर विद्या, विद्या का विद क्यप प्रत्यय। व्यसनो में वी असन ठीक है, वी अस ल्युट, ल्युट का अना बन गया। व्यसनेशु मति ही मन भावे तिन, मन वैसे तिन मति ही। परलोके परह तो अच पर, और फिर लोके तेहिति लोकः ठीक है, दो दो शब्द है परलोक, इसलिए दोनों का देने का प्रयास किया है। धर्मः ध्रियते लोकः अनेन धरति लोकम वा इति धर्मः। ध्रिय प्लस मन, ये इम्पोर्टेंट नहीं कि जिसके तो अलग अलग बना सकते हैं, पर ये इम्पोर्टेंट है ठीक है, ये नहीं बदलता, मैं स्ट्रक्चर पर ध्यान रखते हैं। वन सेकेंड, शील शब्द शील ही है, उसका अच प्रत्यय है, शील धातु है। सर्वत्र, सर्वत्र अव्यय है, सर्व को साथ त्रल जोड़ा गया है, त्रल प्रत्यय है, इसको जोड़ा गया है ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। विद्या पुत्र धनम, मानसी भगिनी विद्या पुत्र धनम। विद्या विदेशेषु धनम, आगे भी बताइए। व्यसनेषु किम धनम, व्यसनेषु मति ही धनम। परलोके धर्मः धनम, धर्मः पुत्र परलोके, परलोके परलोके इसका बता दीजिए। व्यसनेषु इत्यत्र पद विश्लेषण बताइए यहाँ पर है। जी प्लस अस धातु व्यसनेषु सप्तमी बहुवचन, सही है सही है। भी उपसर्ग अस धातु ल्युट प्रत्यय, व्यसना बध्य फिर उसका सप्तमी बहुवचन, बहुत धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट वाल बस एक, हाँ ये भी बता दीजिए परलोके भी बता, परलोके इत्यत्र समास विग्रह। परोलोकः, परोलोकः परलोकः कर्मधारय समास, कर्मधारय समास वेरी गुड ओके। धनम धर्मः डैश धनम परलोके धनम धर्मः, बहुत सुंदर। इस पर कुछ बिंदुए अगर बताना चाहते हैं तो स्वागत है आपका, या फिर एक और बार थोड़ा व्याकरण ही डिस्कस करते हैं, थोड़ा एक बार देख लीजिए। भी उपसर्ग दिश धातु ठीक है, फिर घञ् प्रत्यय ठीक है, घञ् प्रत्यय अच प्रत्यय प्रायः यही जुड़ते हैं शब्द बनाने के लिए ठीक है। देशः जो धातु से निष्पन्न शब्द रहता है ना, प्रायः डायरेक्टली वो घञ् और अच प्रत्ययों का ही रिजल्ट होता है ठीक है, वही प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर भी धना में भी देखो, धना रवे करके धातु है, उसका पचादि अच, अच धातु है इसका, अच अच प्रत्यय है इधर भी ठीक है। यहाँ पर क्यप है तो यह बचता है, और ये देखिए ल्युट है तो उसका अन करके बनता है, ल्युट प्रत्यय है। ये प्रत्यय जो होते हैं साक्षात, जैसे ल्युट में ल निकल गया या बच गया तो या आके इधर जुड़ गया, ऐसा नहीं रहता है। ल्युट के जगह पर दूसरा एक और रूप उसका आता है, एक्चुअली वो अना दिखता तो वर्ड में है पर होता ल्युट है ठीक है। तो ल्युट अन अलग अलग है, ल्युट बोलने के लिए है, प्रत्यय का नाम ल्युट है, पर स्वरूप जो वर्ड में जाके जुड़ता है वो अना है ठीक है। तो ये एक क्लैरिटी आपको रहनी चाहिए, मतलब जो भी थोड़ा प्रत्यय स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ, जिनको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है वो लोग कोई परेशान ना होइए, आपको इससे कोई मतलब भी नहीं है, और आप इसके बिना भी सुभाषित को एंजॉय कर सकते हैं, तो इसलिए उस बारे में आप बिल्कुल चिंतन मत कीजिएगा ठीक है। और ये जो तीन प्रत्यय होता है, एक तीन प्रत्यय सर्वदा स्त्रीलिंग बनाता है ठीक है, मन प्लस तीन मति, तो मन धातु में न निकल जाता है, तीन में ती बचता है, इस प्रकार शब्द बनते हैं। तो थोड़ा शब्द के अंदर हम झांक कर देखेंगे, थोड़े से व्याकरणांश वगैरह हम डील करना अगर हम सीखेंगे तो आगे बहुत ही इसका काम होता है, इसीलिए मैं थोड़ा बता रही हूँ आपको, इतना ज्यादा भी नहीं बता पा रही बट वॉट एवर। यहाँ पर भी देखिए लोक, लोक धातु है, उसका घई प्रत्यय इसको लिया गया है, तो जहाँ पर ऐसे दो तीन शब्द होते तो हर एक शब्द का विश्लेषण देना पड़ता है और उनका आपसी संबंध भी इस प्रकार, जैसे पर लोक दो शब्द है, पर लोक, तो
तो उसी का समास यहाँ पर बन गया। तो घटक शब्द भी हमें बताना पड़ता है। फिर मैं एक्चुअली नाम बताने में ज्यादा विश्वास नहीं रखती, समास बनाने में और संधि का बनाने में हमको ये हो जाए, अच्छी पकड़ हो जाए, बहुत है। ऐसा नहीं कि समास का नाम नहीं सीखना चाहिए, पर उसके बिना काम नहीं होता है ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। समास करने में शक्ति रखिए और संधि को तोड़ने में, जैसे उसको बस उसके अंदर का स्ट्रक्चर थोड़ा जानने में आप ये विश्वास रखेंगे तो आपको धीरे धीरे वो भी आ जाएगा, ठीक है। पर यही जरूरी है समझ के, असली ज्ञान को आप बगल में मत रखिए, ठीक है। ये अभी शील में भी देखते हैं कि अच प्रत्यय है, अच भय अधिकतर यही दोनों रहते हैं, ठीक है। जहाँ अना दिखा वहां ल्युट है, और कहीं पर न्यूट होता है, ऐसा अलग अलग रहता है, तो वो सब हम संदर्भ के अनुसार सीखेंगे, ठीक है। तो ये एक हो गया सुभाषित, इसके बारे में कुछ विचार है तो आप आगे रख सकते हैं। विदेशेषु धनम विद्या, केवल सुभाषित का अर्थ नहीं बोल रही हूँ, कुछ प्रैक्टिकली अप्लीकेबल पॉइंट कुछ है आपके पास तो आप बोल सकते, ठीक है। मैं समझाने का प्रयास करती हूँ, कोई नहीं भूल रहे हैं। एक एक संदर्भ ले लेते हैं। विदेशेषु धनम विद्या, तो धन कैसा हुआ, विद्या विद्या होती है, ठीक है। धन कैसे हुआ, यानी हम विदेश जाते हमारे पास कोई करेंसी नहीं रहती है उनका, हमारे पास हमारा करेंसी ही रहता है, ठीक है। उसको हम एक्सचेंज नहीं करें तो वो यूज भी नहीं होता है, तो उसको एक्सचेंज करते हैं, फिर उसका ये करते हैं, ये पहले धन वहां पर। फिर किस आधार पर हम अपने देश से विदेश में गए हैं, तो किसी विद्या के आधार पर। तो अब आप कहेंगे कि क्या सभी विद्या के आधार पर जा रहे हैं, मजदूर नहीं जा रहे हैं क्या, मजदूर भी तो विदेश जा रहे हैं, बहुत ही हर कैडर के लोग अलग अलग देशों में मजदूर करने के लिए और फिर ये सब करने के लिए जा रहे हैं, कुछ कलाकार जा रहे हैं परफॉर्मेंस देने के लिए, हाँ कुछ ऐसे अपने धर्म गुरु लोग जा रहे हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग पर्पसेस से जा रहे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि विदेश में धर्म विद्या ही है। तो यहाँ पर विद्या का अर्थ, यदि हम सर्टिफिकेट ले लें, जैसे हमने शिक्षण लिया, किसी एमए किया, एमए किया, पीएचडी किया, या फिर कोई इंजीनियरिंग कर ली, मेडिसिन कर ली, उस विद्या की हम बात नहीं कर रहे हैं। विदेश में गए तो नॉर्मल ज्ञान हमारा, क्योंकि हमारे देश में तो हम आंखें बंद करके फिर कर आ जाते हैं, हमको सब पता होता है कहाँ जाना है, कैसा व्यवहार करना है, किससे मिलना है, क्या करना है, वी नो एवरीथिंग। पर हम विदेश में जाते हैं तो हमको न भाषा का पता होता है, ना वहां कहाँ जाना है पता होता है, न लोग पता होते हैं, न कोई कॉन्टेक्ट होते हैं। तो वो भी जो ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, वो भी वहां पर धन ही होता है, जिसे किससे मिलना है, कैसे बात करना है, इस प्रकार का जो जानकारी रखता है, तो वो जानकारी की बात विद्या की बात के आधार पर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ विद्या का अर्थ केवल डिग्रियों वाली विद्या नहीं है, जो व्यक्ति को एक ठीक है पढ़ा लिखा एक स्कॉलर ये कदर देते हैं, पर ये विद्या वो विद्या है जो हर जगह, मतलब सामान्य हम मानव बनकर, हम इंसान बनकर जो नॉर्मल ज्ञान होता है, एक मजदूर भी गया हो तो उसको भी तो सारी कॉमन चीजें सीखनी पड़ती है उसको, वो भी फ्लाइट में बैठ के जाता है, वो भी व्यवहार करता है वहां जाता है, उसको भी खाना पीना रहना सोना सब करना पड़ता है, ठीक है। तो वो करने के लिए जितनी लोगों से संपर्क आवश्यक है, जितना उसको समाज का जैसे ज्ञान मिलना जुलना, ये सब मेल जोल रखना, इन सबका ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये इस ज्ञान की इस सुभाषित में विदेशेषु धनम विद्या के रूप में बात करते हैं। अब आते हैं व्यसनेषु धनम मति। व्यसन यानी कि जैसे पहले बताया वो कष्ट काल होता है, विपत्ति काल, ठीक है। अच्छा, विपत्ति काल वो नहीं है कि बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो, बहुत बड़ा एक कुछ हो गया हो, छोटे छोटे भी व्यसन ही होते हैं, जैसे अभी वहां पर भी धन की आवश्यकता, मति नाम के धन की आवश्यकता जहाँ होती है, ऐसे कई संदर्भ हमारे जीवन में आते ही दिखाई देते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, घर में दूध नहीं है, क्या करें अभी, कैसे उसको ये कराए, तो उसका कुछ भी आहार जो बच्चा ले सकता है, बहुत ही छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसके लिए व्यवस्था करना। कहीं पर गए हैं, पिकनिक में गए हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी की कोई प्रॉब्लम आ गई है, या फिर कुछ पैसे की कमी आ गई है, बच्चा पढ़ना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, या किसी कॉलेज में ज्वाइन होना चाहता है, या उसको नौकरी मिलने वाली है, नहीं मिल पा रही है, ऐसे भी आवश्यकताएं भी हमारी होती है, वो भी मति की अपेक्षा रखने वाली बहुत जगह पर होते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको जहां पर भी रखो, उनको पहाड़ में भी जाकर छोड़ दो तो घर वापस आराम से आ जाएंगे।
तो उनके पास मति होता है, ऐसा बोलते हैं ना, इसको जंगल में भी जाके छोड़ दो तो घर आ जाएगा आराम से, कुछ इसकी चिंता मत करो, ऐसे भी लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं घर के बाहर कदम रखा कि नहीं कि उनको कुछ मालूम ही नहीं है, इतना कि घर के अंदर भी उनको क्या करना है मालूम नहीं रहता है, तो लोग कुछ सोचते नहीं है। तो वो जो बता पा रहे हैं, वो जो युक्ति से उस समस्या का समाधान कर पा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग संदर्भों में, तो वो दो तरह के लोग होते हैं। या तो वो लोग पहले उस अनुभव को कर चुके हैं, जैसे वो कई पिकनिक्स में जा चुके हैं, कई बार गाड़ी ट्रैवल करते हुए रोड से ट्रैवल कर चुके हैं, या फिर वो कई बार ऐसे ऐसे घटनाओं के आदि हैं, कोई वो बिल्कुल उसमें उनका दिमाग अभिभूत, जैसे पहली बार कोई घटना देखते हैं तो हमको हम एकदम सुन्न सा हो जाता है, हमारे दिमाग कुछ काम ही नहीं करता है, हम या तो डर जाते हैं या तो बहुत एम्बेरेस हो जाते हैं, या फिर वी आर वेरी सेल्फ कॉन्शियस, वी आर अनेबल टू हैंडल। जैसे पहला दिन होता है कॉलेज का, कुछ भी पता नहीं होता है, पहला दिन होता है नौकरी का, नौकरी में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कोई कुछ भी पता नहीं होता, क्या काम करना है, कहाँ बैठना है, क्या कोई आके दिखाता है, ठीक है तुम यहाँ बैठो, तुम ये काम करो, तुम इनसे बात करो, कोई डाउट है तो हमसे पूछो, ये तुम्हारा कुछ चीजें चाहिए तो तुमको यहाँ मिलेंगी, तो ऑल दिस थिंग्स द गाइडेंस इज नीडेड, ठीक है। तो वो भी एक टाइप का व्यसन होता है, तो उस टाइम भी अच्छे से याद रखना पड़ता है कि उसने क्या नाम बताया, कहाँ से जाने से क्या चीज आती है, बिल्डिंग में कौन सी जगह कहाँ है, तो ऑल दिस थिंग्स काउंट। ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज है जहां पर हमें युक्ति की आवश्यकता होती है, थोड़ा सोचना पड़ता है। तो उन लोगों का ऐसा एक्सपोजर बहुत होता है, जो लोग युक्ति टक 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 करके वो लोग निकाल सकते हैं युक्तियां, तो कोई कोई लेडीज इतनी बहुत ही एकदम खाना बनाने के शौकीन होते हैं, हर किसी के किचन में चली जाती है, वो स्टडी करती है किचन को, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं, उनको थोड़ा ये होता है कि कहाँ पर क्या रखा है, वो गेस कर लेती है, टक टक काम कर लेती है, उनको किसी के भी घर में किचन में छोड़ दो तो खाना बना के आराम से बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए काम बना के आ जाएंगे। कुछ जेंट्स ऐसे होते हैं, उनको मतलब ट्रैवलिंग के विषय में, कहीं जाने के विषय में, पैसे के विषय में, मतलब कुछ भी पूछो, दे आर वेरी लाइक एक्टिव एंड दे नो थिंग्स, तो उनको एक्सपोजर के कारण एक, और फिर उनको गेस करने की शक्ति बहुत होती है। और दूसरी बात यह है कि दूसरी बात में जो गेस करने की शक्ति कहाँ से आती है, पॉजिटिव चिंतन उनको कहाँ से आता है, जैसे वो भी सेम सिचुएशन में जैसे हम हैं, जैसे लिफ्ट बंद हो गया, सडनली सब लोग घबरा के चिल्लाने लगते, कोई कोई लोग शांत रहते, कहते अरे चालू हो जाएगा, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम आई होगी, तो हाउ यू डील विद लाइक यू हैव डेल्ट विद ऑलरेडी, यू हैव अरे कुछ भी यहाँ हो गया होगा, अरे फोन करो उसको, फलाना व्यक्ति को फोन करो, बस वो खोल देगा, अरे चाबी रहती है एक लिफ्ट की, उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो आ जाएंगे बाहर, कि वी कैन जस्ट कम आउट, डोंट पैनिक, डोंट वरी। तो इस प्रकार जो बोल पाते हैं उनको ये एक पॉजिटिव, उसको कुछ भी नहीं पता, उसे पहले कभी लिफ्ट में फंसा नहीं, पर फिर भी वो बोल पा रहा है ये बात, तो उसका कारण ये है कि दे थिंक पॉजिटिवली और दायित्व लेते हैं, ठीक है अभी यहाँ पर 10 लोग हैं, 10 लोग चिल्ला रहे हैं, तो इट्स वेरी ऑड, सब 10 लोगों के लिए भी वो बहुत परेशान हो जाएगा, मैं चिल्ला रहे हैं आपको प्रॉब्लम, आप चिल्ला रहे हैं मेरे को प्रॉब्लम है, तो लेट अस टेक काम, सो समबडी टेक्स चार्ज एंड से चुप रहो सब लोग, प्लीज डोंट शाउट, लेट मी थिंक, ठीक है। ऐसा एक दायित्व लेने वाला एक जो होता है, विवेकानंद स्वामी ने कहा था टेक होल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर, तो उस काइंड के टाइप के लोग होते हैं कि वो दे टेक चार्ज, वेयर एवर दे आर जस्ट टेक द चार्ज, दे जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, और गिनते हैं कि मेरे पास क्या चीज है, कि व्हाट आई हैव गॉट, व्हाट आई हैव नॉट गॉट, ठीक है अभी इस चीज में, इस अवेलेबल थिंग्स में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट बेस्ट वी कैन डू, ठीक है, लेट्स मेक सच अ डिसीजन सो व्हिच इज हेल्पफुल फॉर एवरीवन, ठीक है। तो ऐसा एक सोचने वाला एक चिंतन उनके अंदर डेवलप हुई रहती है, तो वो है विदेह व्यसनेषु धनम मति ही का अर्थ वो है, तो उनको जो युक्ति है, जो सोचते हैं सबकी भलाई के लिए, उसके पीछे जो पहला था ना परेशान समाचरित वाला, एक है किसी को प्रॉब्लम ना हो, वो एक बुद्धि है और ये एक है, तो इन दोनों का समन्वय से वो लोग काम करते हैं, ठीक है। और तीसरी बात है परलोके धनम धर्म, परलोक यानी आजकल तो इसकी जब तक परलोक और पुण्य पाप का फल होता है, जैसे आप अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा, ऐसा एक चिंतन धारा समाज में रही, तब तक क्राइम रेट बहुत कम था, ठीक है, लोग डरते थे, करता भी था तो वो दुर्योधन टाइप का कोई होता था, कम लोग होते थे, ठीक है, बाकी सामान्य सा जो जनजीवन था इट वॉज नॉट अफेक्टेड। When people started saying everything is science, इस जन्म के परे कुछ नहीं है, बस वी कम एंड गो, इट्स ऑल यूजलेस थिंकिंग,
कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नरक नहीं होता, कोई यमदूत नहीं होते, कोई आत्माएं नहीं होती, कोई भटकना नहीं होता, कोई प्रेतात्मा नहीं बनता, हु टोल्ड यू ऑल दिस, कोई श्राद्ध नहीं करना. सो ऑल दीज थिंग्स वेंट अवे फ्रॉम द सोसाइटी, देन द डायरेक्ट इफेक्ट फॉल ऑन द क्राइम रेट. आप देखिएगा लोगों को क्या है, डर निकल गया, कोई यमदूत नहीं होता है तो हम, जैसे मेरे को पैसा चाहिए मैं चोरी करके भी ले लूंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है, जिसको जिससे लिया उसको, अरे मेरे से भी कोई ऐसा ही ले लेगा तो सामने वाला भी ऐसा ही सोच सकता है. तो एकदम सोसाइटी हैज बिकम, एवरीबॉडी स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट. तो सोसाइटी हैज बिकम अ प्लेस वेयर नोबडी कैन एग्जिस्ट. मैं उत्कोच लूंगा, मतलब मैं ब्राइब लूंगा, क्या प्रॉब्लम है ब्राइब लेने में, उसको जरूरत है वो तो दे देगा कहीं से भी. तो इस प्रकार का कोरोना की सिचुएशन हम देखते, हॉस्पिटल की डॉक्टर्स का बिहेवियर, मानवता के परे बहुत कुछ हम घटनाएं हम सुन रहे हैं. इवन पीपल स्टार्ट बिहेवियर, हम ही को हो जाता है, घर खाली करो भाई, तुम्हारे घर में कोरोना आ गया. ठीक है, आ गया, अब आपके घर में आता तो आप क्या करते, आप ही घर खाली करके चले जाते, ये घर तो भाई हमारा है. सो ओके ठीक है, उसका घर नहीं है, उसको रेंट देकर ही रह रहा है ना, तो उसको कोई हक नहीं, आपको इस कंडीशन में कहाँ जाएगा वो, कोरोना के चलते घर कैसे ढूंढेगा, कैसे जाएगा. प्लीज अंडरस्टैंड, ओके प्लीज पुट हिम इन क्वारंटाइन, प्लीज टेक केयर, ऐसा करके हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं. तो ये पाप का जो चिंतन है, हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा तो हमको कौन हेल्प करेगा, भगवान देख रहा है. देयर इज सम पर्सन कॉल्ड चित्रगुप्ता हु इज राइटिंग ऑल द थिंग्स. ऐसा करके जो चिंतन पहले भारतीय धारा, भारतीय जनजीवन में एक वो अंतरलीन अंतर्भाग गंगा प्रवाह की तरह वो रहता था, वो अब बंद हो गया है. इसके कारण डायरेक्ट इफेक्ट इसी पर पड़ा है, सोसाइटी में क्राइम रेट बढ़ गया. तो इसलिए इस ऐसे सुभाषित हमें लगता है कि वो बहुत छोटी बात कर रहे हैं. परलोक के धर्म धर्म देखने को तो बहुत ही छोटा सा एक सेंटेंस स्टेटमेंट है. तो ये बोल रहा है कि आप परलोक करके एक चीज है, इससे पता चलता है उधर धन क्या है उसकी बात छोड़ी, परलोक तो एक चीज है. ठीक है, वहां ये करेंसी नहीं चलती है, दूसरी बात है. तो क्या करेंसी चलती है, धर्म की करेंसी चलती है. तो कैसा धर्म, पुण्य का धर्म, जो पुण्य से कमाया हुआ धर्म है वो. तो पुण्य कर्म क्या है भाई, पाप कर्म है, उसका ऑपोजिट क्या है पाप कर्म है. तो उसके लिए परलोक याने ये पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, स्वर्ग की साइड की बात कर रहे हैं, इसलिए धर्म धर्म हाँ बोलते हैं. धर्म का धन हमारे पास नहीं है तो सीधा हम कहाँ जाएंगे, नरक लोक में जाएंगे. क्योंकि वही व्यक्ति पुण्यहीन होता है जो पाप कर्म करता है. पुण्यहीन होना एक लेवल की प्रॉब्लम है, पाप कर्म से युक्त होना दूसरे लेवल की प्रॉब्लम है. तो इवन मनसा वाचा कर्मणा, तीनों लेवल्स में हमारा चिंतन एकदम साफ रहे, इसका हमारे पूर्वजों ने बहुत एकदम व्यवस्थित रूप से सबको बताया है. अरे ये सब पता है, डराते, तुम मच्छर मारो ना तो मच्छर को मार दिया तो तुमको यमदूत शूल ये सब करेंगे, ये बताते, ये सब गलत है. ठीक है, हम मच्छर नहीं मारेंगे, हम एक दाना मच्छरदानी ले लेंगे. ठीक है, मच्छरदानी रख लेंगे, सो देट वी नीड नॉट किल देम, दे विल गो अवे इन द मॉर्निंग. ठीक है, तो ऐसा एक जो पूर्वजों ने हमारा एक चिंतन धारा रखा, पूरे पुराणों में उनको लिख के रख दिया, फिर भी वी आर नॉट फॉलोइंग ऑल दैट दीस डेज. तो उससे समाज में किसी को हम कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होगा, कोई देयर इज नो लाइक परिणामा, कोई इसका फ्रूट कुछ भी नहीं है, फ्रूट नाम का कोई चीज है ही नहीं है इस दुनिया में. अब कुछ भी करो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बिल्कुल बहुत गलत कर्म करते वो तो भले चंगे हैं. और देखा तुमने महाभारत पढ़ा, दुर्योधन तो पूरा राज्य करता रहा और फिर पांडव पूरे 13 साल के लिए वो लोग इसमें रहे, धर्म करके उनको क्या मिला. ठीक है, धर्म करके क्या मिला, युधिष्ठिर को स्वर्ग मिला था. कैसा स्वर्ग, वैसा स्वर्ग जहाँ कोई शरीर से नहीं जा सकता था, बस एक वो आदमी था जो शरीर के साथ गया. सोच के देखिए कि कितना पुण्य आत्मा है वो, किसी को नहीं मिला वो चांस, बाकी सब गिर गए और वो एक अकेले विमान में चल पड़े, इंद्र स्वयं आए उनको ले जाने के. तो ये एक फल होता है. दुर्योधन कैसी दशा में मरा, पूरा उसके जगह तोड़ दी गई और वो किस हालत में मरा सबको पता है. तो इसलिए दुर्योधन के पक्षधारी इसका एंडिंग याद नहीं रखते. ठीक है, तो अंत भला तो सब भला, जहां पर अंत भला हुआ युधिष्ठिर का पांडवों का तो वो भला है, और जिसका अंत खराब हुआ वो कर्म ही खराब है. तो ये चिंतन की धारा हमारे अंदर वापस आ जाए. बस बच्चों को बताया कीजिए कि गलत काम ना करे, नॉट जस्ट फॉर दिस सोसाइटी. को एक लड़का, एक बार मैंने पढ़ा था, एक फादर साइड से लिखा था वो, कि वो अपना उसका बेटे ने कुछ बोलता है, फादर आई हैव, मैंने 10 रुपए आज चुराए हैं किसी के जेब से तो मुझे 10 रुपए का फायदा हुआ. नहीं चुराए नहीं, लेकिन मतलब कुछ देते में 10 रुपए का नोट ज्यादा आ गया तो मेरे को 10 रुपए मुनाफा हुआ, मैंने इसके साथ चॉकलेट खरीद के खाया, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, इज वाई इज इट रॉन्ग. तो पिता बोलता है कि I could not explain to my son कि वो क्यों गलत है.
मेरे को लगा पेपर में आया था ये घटना मैंने पढ़ी थी, तो वो मुझे लगा कि ये प्रश्न जो है उसका समाधान ये है कि भाई बेटा तुम्हारे से कोई गलती से 10 रुपए सामने वाले के पास चले गए और उसने तुम्हें लौटाया तो तुमको कैसा मिलेगा, दिस द ओनली आंसर। तो ये जो चिंतन है ठीक है इसका एक्ट था, कल को तुमको 100 रुपए खोने पड़ेंगे इस 10 रुपए के लिए, सो दैट इज अ थिंग। तुमको क्या हुआ तो पूर्व श्लोक वाला भावना है, तो तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तुमको कैसा लगेगा, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड थिंग ये है कि अभी तो तुमने 10 रुपए तुमने खर्च किए हैं तुम्हारे नहीं होते हुए, तो इसका तुम्हें भरपाई हजारों में करना पड़ेगा एक दिन। तुम अगर ध्यान पूर्वक मन पूर्वक इसको कर रहे हो तो इट विल जस्ट मल्टीप्लाई, पुण्य हो पाप हो मल्टीप्लाई होके हमको मिलता है ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। सिर्फ उसका फल नहीं मिलता, मल्टीप्लाई होके फल मिलता है। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर अगर वापस आ गई तो सोसाइटी का अच्छा होगा। नेक्स्ट थिंग शील सर्वत्र वही धर्म, ठीक है भाई। यहाँ तीन चीजों की बात हुई, विदेशों में विद्या की बात हुई और कठिनाई के समय में युक्ति की बात हुई और परलोक में धर्म की धर्म की बात हुई। तो फोर्थ थिंग है शीलम सर्वत्र, मतलब विदेशों में भी कष्ट के समय में भी परलोक में भी शीलम सर्वत्र वैधनम, कैरेक्टर युक्त हो व्यक्ति। तो इस कैरेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है, सच बोलना, नीति युक्त धर्म युक्त जीवन जीना और रिलायबल होना, मिस्टर रिलायबल मिस्टर डिपेंडेबल होना ठीक है। और नेक्स्ट थिंग ये है कि इसका ऑनेस्टी ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं ऑनेस्टी को, एकदम तो मैंने जाए थी बोलते हैं आई फॉरगॉट द वर्ड ठीक है। तो ऑनेस्टी के साथ काम करना और जहां पर भी रहो अपना रोल सही 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 प्ले प्ले करना, प्रामाणिकता प्रामाणिकता नहीं नहीं प्रामाणिकता नहीं बहन प्रामाणिकता ईमानदारी ईमानदारी हाँ हाँ ईमानदारी तो उर्दू शब्द है ईमानदारी हाँ उर्दू शब्द है ईमानदारी है ईमानदारी तो ईमानदारी से रहना। ये सब शील के अंदर, शील मतलब केवल नारी पुरुष उसकी उसकी उसका विषय नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि जब भी कैरेक्टर की बात होती है इट्स ओनली लाइक मैन वुमेन थिंग, इट्स नॉट दैट। सो शीलम सभी चीजों में आता है, मतलब ऑल द व्यवहार इन द वर्ल्ड ठीक है, जहां पर एक सच्चाई ईमानदारी और अपना रोल निर्वाह करना रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, एंड जैसे डिपेंडेबिलिटी, जैसे इस पर कोई वादा किया तो अवश्य निभाएगा ठीक है, इसको हम विश्वास कर सकते, तो विश्वसनीयता, ये सारी चीजें शील के अंतर्गत आती है ठीक है। तो ये सुभाषित है, तो इसका इतना सारा मीनिंग रहता है। आप सब अवश्य चिंतन करें, अपने पॉइंट्स रखा करें, किसी भी विषय में कुछ भी कहना चाहे तो बिल्कुल यू आर वेलकम फॉर दैट, इसका चिंतन करें और जस्ट प्रिपेयर समथिंग इफ यू वॉन्ट, और इन सुभाषितों को याद अवश्य आप करें। अगले सप्ताह में पूछने का कोशिश करूंगी। तो आज हमने दो सुभाषित पढ़े हैं, पहला वाला है श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैव विचार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, यह पहला वाला है। और दूसरा वाला है विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्र। इसी के साथ ये कक्षा समाप्त होती है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्रार्थना के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीषाः गोब्राह्मणेभ्य शोमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। धन्यवाद, नमो नमः। धन्यवाद भगिनी, धन्यवाद, 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 धन्यवाद दीदी, शुभ सायं।